छिहत्तर से जैन फैक्ट्री में काम करते थे, 4 साल काम किया, उसके बाद मिल में लग गए। महाराज जी जिस उन्होंने स्थापना की वो हमारा साथी काम करते थे, पृथ्वीराज जी नाम था उनका, काइटिंग मशीन में काम करते थे। प्रसाद वगैरह किसी से कुछ मांगा तांगी नहीं करते, अपने पैसों से, कमाई के पैसे से प्रसाद चढ़ाना करना, जो भी सेवा बनती जिस टाइम पर, बम्बूली बम्बूल में खाली मूर्त दिखती थी, बम्बूली बम्बूल थे। धीरे 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 भगवान की कृपा से सब याद अच्छा हो गया है। पहले हमारे इनके पिताजी काका जी उन्होंने चालू किया थोड़ा बहुत, उसके बाद से आज 30-35 साल से हमारे बड़े भाई साहब ही कर रहे हैं, जो भी बन पड़ता है सेवा, और मेरे से भी जो बन पड़ता है, जो शाम सुबह आ जाता हूँ। भिलवाड़ा में सिर्फ उद्योग में काम करने वाले व्यापारी ही उद्योगपति नहीं है, बल्कि यहाँ के भगवान भी उद्योगपति होते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर भिलवाड़ा शहर के पानसाल चौराहे के पास एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिसकी स्थापना पौराणिक दौर में आसपास के फैक्ट्री और मिल में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों ने करवाई थी। आज ये आलम यह है कि मंदिर बन गया है उद्योगपति बालाजी मंदिर, जहां श्रमिक से लेकर बड़े सेठ भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि यहां पर स्थापित भगवान हनुमान जी की प्रतिमा अति प्राचीन है, और इस प्रतिमा के दर्शन करने में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की जाती है। कारण यह है कि श्रमिक जब भी फैक्ट्री जाते हैं तब सबसे पहले भगवान के दर्शन करके निकलते हैं। बता दें कि इस मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज जी महाराज द्वारा कराई गई थी। उस समय में पृथ्वीराज जी महाराज पास में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, और बाद में उन्होंने यहां पर प्रतिमा देखी तो यहां पूजा पाठ करने लगे। बाद में आसपास के कुछ फैक्ट्री श्रमिकों ने मिलकर यह मंदिर की स्थापना करवाई, और उसके बाद में प्रताप जी महाराज ने इसका पुण्य निर्माण करवाया। तब से ही मंदिर की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई है। मंदिर की स्थापना है पृथ्वीराज जी महाराज के हाथ से हुई, जैसे कि मेवाड़ मिल है, राजस्थान मिल है, यहाँ फैक्ट्री एरिया है, भोपाल माइनिंग है, डालडा मिल है, रामधाम है, उनके हाथ के 5-7 मंदिर, उनका यही है जहाँ सेवा पूजा हो जाती है तो वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। छोटा सा ही था, फिर बाद में प्रताप जी आए, जो उसके बाद में इसको थोड़ा सही किया। यहाँ 5 भजन करते थे, प्रताप जी, भंवर जी, गोपी जी मार साहब, प्रहलाद जी और बिहारी जी, विष्णुई, मोतीलाल जी, ये इनका फर्ज था। 5 भजन करके फिर जाते हैं रोज, साल हर मंगलवार को 5 भजन करना। आज कम से कम 50-60 साल हो गए। एक दूसरे से आस्था रही, जिसके मकान नहीं है तो बाबा मकान भी बढ़ा दिए, किसके बच्चे बच्ची कौन है तो उसके औलाद भी हुई, और आस्था रखते हैं, कोई भी दुख तकलीफ होती सब ठीक होता है।